तो चलो गाइस एक दो पुल अप ट्राई करते हैं यहाँ पे। क्या बोलूँ मैं इस व्यू के बारे में यार। What's up guys, welcome to my YouTube channel and the another vlog। तो आज मैं जा रहा हूँ बानेर हिल और वहाँ पे दो मंदिर हैं, उनके भी दर्शन करेंगे हम लोग, सो चलो। तो दोस्तों आ गए हम बानेर हिल, तो यही है वो पहला मंदिर जिसके दर्शन करके हमें आगे निकलना है, श्री बानेश्वर मंदिर। चलो मैं आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ पूरा, कैसा है कैसा नहीं। वैसे मंदिर के आजू बाजू बहुत सारे घर है जिसकी वजह से हमें जल्दी पता नहीं चलता है आना कहाँ से है। वैसे ये वाला रास्ता है आने के लिए, काफ़ी छोटा है एंड यस हमें यहीं से ऊपर जाना है, यहीं से जाएंगे हम लोग ऊपर, सो चलो अभी। भाई ये मंदिर बड़ा खूबसूरत है गाइस, पूरा पत्थरों के अंदर है ऐसे पहाड़ों के बीच में। वैसे यहाँ अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, पता नहीं आपको दिख रहा भी है या नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ शूट करने के लिए। अच्छा हुआ गाइस मैंने जैकेट नीचे ही निकाल लिया क्योंकि ऊपर आने वाले बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई मुझे बहुत ज़्यादा। ये देख नीचे का तो दर्शन हो गया है। वैसे आप देख सकते हो ये मंदिर पूरा पहाड़ के ऊपर है, वो काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा यहाँ से जाते वक्त। फिर मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाता हूँ। तो गाइस मंदिर के पास तो आगे ये पीछे की साइड है, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, तो अभी घूम के जाएंगे दर्शन के लिए। बट लुक एट दिस व्यू गाइस, जस्ट लुक एट ऐसा कुटला पॉइंट है जिसे तुम अपन अख बाने दिल से पीछा वहाँ से आए थे हम लोग, वो रास्ता दिख रहा होगा आपको शायद से, ये दिख रहा है वही से आए हम लोग, यही था और ये है वो मंदिर। तो अंदर जाएंगे अभी, पहले आप थोड़ा सा व्यू का भी मज़ा ले लो। चलो अभी वैसे अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, पूरा काम चल रहा है गाइस, देख सकते हो आप काम चालू है यहाँ पे। तो अच्छी बस ख़राब मित्रांनो, जैसे सगे ठिकाणी होता, वैसे यहाँ पे भी हुआ, कैमरा अलाउड नहीं था अंदर तो मैं वीडियो नहीं ले पाया। बट ये मंदिर देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। को वो रास्ता देख सकते हो वहीं से आए थे हम लोग ऊपर, अभी बहुत आगे तक जाना है अपने को, इतने में नहीं रुकना है। वैसे ना गाइज मेरा आज वो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना, एक बड़ी गणपति की मूर्ति है वहाँ जाने का प्लान था, बट आज मैं उठा ही बहुत लेट, तो मैंने सोचा जो पास में लोकेशन रहेगा तो वहाँ पे जाते हैं। तो ये लोकेशन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना था बट मुझे नहीं पता था इतना अच्छा रहेगा ये लोकेशन, और फिर यहाँ पर आ गया मैं। वैसे देखो गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, तो चलो गाइज एक दो लोग ट्राई करते हैं। वैसे टाइम तो बहुत गलत है तुझे तो मारने का, बट देखते हैं कितने मारूंगा पता नहीं आज। मुझे नहीं पता था यहाँ पे ये भी है, तो अब समझा यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने क्यों आते हैं। ऐसा आगे भी बहुत कुछ है वो भी दिखाऊंगा आपको क्या क्या आगे, तो चलो ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। कुछ भी बोलो, इतना ऊपर आने के बाद मुझे ये बहुत सही लगा, कुछ भी बोलो मज़ा आ गया ये करके। तो चलो यहाँ पे हो गया सब कुछ देख के, बैक साइड में क्या है अपन वो देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे अभी भी एक मंदिर दिख रहा है, छोटा है बहुत छोटा, पर फिर भी जाके देख के आते हैं। ठीक से दिखाता होगा आप लोग को, ये देख सकते हो ये बानेर पाषाणपुरा और उसके बीच में ये इतना बड़ा हिल है, इतना बड़ा, तभी सोचो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। ये सच्ची में एक्चुअली में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये तो मैं आधे तक भी नहीं आया, वो आप पीछे भी देख सकते हो उस साइड में पूरा।
क्या बोलूँ मैं इस व्यू के बारे में, क्या बोलूँ। स्पेस ही ना यहाँ पे, एक क्रिकेट की मैच हो सकती है यहाँ पर, एक क्रिकेट की बढ़िया मैच अपने दोस्तों के बीच में। पंछियों के लिए खाने के लिए रखा गया है उन लोग के लिए पानी और खाना। भाई कौन है इनका ध्यान रखता है यार इतना, कौन भाई। सैल्यूट है जिसने भी ये बनाया ना उसके लिए, सैल्यूट है भाई। सब सच्ची में यहाँ आने के बाद जो पीस मिला है ना, सनसेट होने वाला है, वो सनसेट की वजह से थोड़ा बहुत चमक रहा हूँ मैं। अच्छा थोड़ा सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के थोड़ा आराम कर लूँ, सनसेट भी जस्ट होने ही वाला है तो उसके भी थोड़े बहुत मज़े ले लूँ। स्वैग में चल रहा है, स्वैग में जा रहे, फुल स्वैग में, फुल गाना बीना सुन के मस्त अपने धुन में भाई। प्लीज आप देख सकते हो जैसे ही सनसेट हो गया मेरा क्लियरिटी थोड़ा कम हो गया है, तो अगर मैं आगे भी जाता हूँ और अंधेरा हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ इससे अच्छा नीचे जाओ अभी, वो वाला मंदिर देख सकते हो, मुझे लगा बस उतना एक मंदिर ही है, बट भाई वहाँ से शुरू हुआ, मैं आधे तक भी नहीं गया फिर भी वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ठीक है नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं। यहाँ पे रात के टाइम पे भी बहुत लोग आते हैं। वैसे गर्मी का सीज़न होते हुए इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, गर्मी का सीज़न होते हुए, तो बारिश के मौसम में तो मज़ा आ जाएगा, एक बार आना पड़ेगा, आएंगे हम लोग बारिश में भी एक बार ज़रूर राउंड मारेंगे आप। चलो आज का दिन तो बहुत अच्छा लगा, अभी गाड़ी के पास चलते हैं।